रामदाना, राजगिरा या फिर अमरंथस आपको पता ही होगा, जिसे हम खासकर व्रत में खाते हैं और ये प्रोटीन और फाइबर का एक बहुत ही बड़ा सोर्स होता है और इसीलिए इसे सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। व्रत में हम इसकी बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं, जैसे पूरी, पराठा, इसकी बर्फी बनती है, लड्डू या चिक्की, या फिर इसके पफ को दूध में डालकर खाया जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी जो लगता है। लेकिन रामदाने को भूनने का जो तरीका है, यानी इसको पफ करने का जो तरीका है, थोड़ा ये मुश्किल होता है, कभी ये जल जाता है या कभी ये अच्छी तरह से पफ नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक के बाद एक सारी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहुत ही खास ट्रिक है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्निता गुप्ता रेसिपी सबसे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर कर दें। और ये है हमारा राजगिरा यानी रामदाना। तो इसको मैंने ना ऑनलाइन मंगाया था, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, गंदगी नहीं है। तो अगर ये पैक्ड आप लेते हैं तो ऐसे ही मिलेगा, अगर आप किराने की दुकान से लेके आते हैं खुला तो वो उसमें बहुत सारी गंदगी, धूल मिट्टी रहती है, तो उसे आप एक बार धो लें अच्छी तरह से, और छन्नी है ना जो बारीक वाली, उसी में धोना है और उसके बाद सुखा लीजिए अच्छी तरह से, दो तीन दिन धूप में अच्छी तरह सुखाना है, तो ये पफ करने के लिए तैयार हो जाएगा। पफ करने के लिए हम लेंगे एक कढ़ाई जो थोड़ी हैवी बॉटम की हो, बहुत पतली ना हो और छोटी ना हो, बड़ी साइज़ की कढ़ाई लेनी है। और इसके बाद हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है, थोड़ा बड़ा साइज़ का कपड़ा रहना चाहिए, जिससे हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसको एक पैड जैसा बना लेंगे। मोटा ही बनाना है क्योंकि इसी से हम पफ करने वाले हैं और ये बहुत हेल्प करेगा पफ करने के लिए। तो दो तरीका है, इस तरह से कर लीजिए आप, ये देखिए इस तरह से, दूसरे तरीके से इस तरह से करते हैं तो रामदाना जो है कपड़े के अंदर नहीं जाएगा और सारा पफ हो जाएगा, कढ़ाई में रहेगा और बाहर भी नहीं आता है कढ़ाई से। अब कढ़ाई को धीमी आंच पर गरम करेंगे। मैं आपको रामदाने को बहुत ज़्यादा पफ करने का तरीका बता रही हूँ और इसे ज़रूर फॉलो करें। धीमी आंच पर कढ़ाई को रखकर जो रामदाना है आपने साफ़ कर लिया है उसे डाल दें और धीमी आंच पर आप 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए सेक लें। इससे क्या होगा ना, रामदाना बहुत ही बारीक होता है, हमें लगेगा कि ये सूख गया है, बट इसको अच्छी तरह से अंदर तक सुखाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर इसे सेकना ज़रूरी होता है। इससे ना जो आप रामदाने का पफ बनाएंगे दोगुना बनेगा और बहुत अच्छी तरह से बनता है। तो चाहे आप कितना भी सुखा लिए हो या फिर सूखा हुआ आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को ज़रूर से फॉलो करिएगा। आँच तेज़ मत करिएगा और पफ नहीं होना है इसको, बस 2 से 3 मिनट तक ही इसे गर्म करना है अच्छी तरह से, ये गर्म हो जाए। जब हाथ में आप इसे लेंगे तो हाथ बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए, तुरंत ज़्यादा देर तक ना रख सकें, ऐसा आपको इसको गर्म कर लेना है। फिर इसके बाद आप एक बड़ी सी थाली में इसे निकालिए, किसी भी डीप बर्तन में, बाउल में नहीं निकालना है, क्योंकि इसकी गर्माहट से स्टीम पैदा होगा और फिर से इसमें नमी आ जाएगी, इसलिए ओपन बर्तन में से निकालकर फैला दीजिए ताकि नमी ना बने इसमें। अभी मैंने सेम कढ़ाई लिया है, काफ़ी गर्म है, अब इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे और खूब अच्छी तरह से इसे गर्म कर लेना है। अब रामदाने की कितनी हम क्वांटिटी डालेंगे कि अच्छी तरह से पफ होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं डाली जाती है, बहुत कम क्वांटिटी डालकर इसको पफ किया जाता है। तो शुरुआत में हम 1 चम्मच डालेंगे क्योंकि अभी हमें इसको टेम्परेचर सेट करना है। तो अब इस तरह से जो हमने पफ बनाया है कपड़े का, इससे घुमाते रहिए, आँच बिल्कुल तेज़ होना चाहिए यानी हाई फ्लेम पर रहना चाहिए, धीमा बिल्कुल भी नहीं रखना है, और इसी तरह से घुमाते रहिए कंटिन्यू, और इसके बाद ये धीरे धीरे पफ होने लगेगा। जैसे ये पफ होने लगेगा आप ऐसे ही कंटिन्यू घुमाते आपको रहना है, छोड़ना नहीं है। जब ये घूमेगा चारों तरफ तो अच्छी तरह से जो नहीं पफ हुए हैं वो भी अच्छी तरह से पफ हो जाते हैं और जलेंगे भी नहीं, नहीं तो काले पड़ जाएंगे आप नहीं इस तरह से घुमाएंगे तो, और जल भी जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पफ हो गया ये। अब तुरंत इसे हम अलग से बोल में निकालते जाएंगे, इसी तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है फटाफट, नहीं तो इतने हल्के होते, इतने छोटे होते ना कि सेकंड्स में ये पूरा जल जाएगा और कड़वा लगेगा टेस्ट में। अब इसका टेम्परेचर सेट हो गया है, अब हम 2 चम्मच इसमें राजगिरा डालेंगे और पफ करेंगे। अब देखिए डालते ही ये पफ होने लगा क्योंकि टेम्परेचर अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो छोटे छोटे मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, ट्रिक जो बता रही हूँ, इसे ज़रूर से फॉलो करें और बिल्कुल ध्यान दें तो आपका पफ बहुत ही बढ़िया बनने वाला है।
देखिए किस तरह से बिल्कुल पफ हो रहा है, एकदम वाइट वाइट बना है और कढ़ाई से भी बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कपड़े का हमने पफ बनाया है काफ़ी बड़ा है, हाथ भी नहीं जलेगा और अच्छी तरह से ये उसको पफ को बाहर भी आने से रोक रहा है। और ये राजगिरा हमारा काफ़ी अच्छी तरह से फूट रहा है। तो इस तरह से कुछ ही देर में बहुत सारे आप राजगिरा यानी रामदाने को पफ बनाकर या भूनकर रख सकते हैं और इसे ठंडा करके डब्बे में भर दीजिए और जब भी इच्छा हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेटिंग आपको रखनी है गैस के बगल में ही, आपको बाउल रखना है जैसे तुरंत आप इसको ट्रांसफ़र कर सकें, सेकंड भर की देरी नहीं करनी है कि कढ़ाई में रोकना है, तुरंत इसे फटाफट निकालते जाएं। कपड़े भी पास में रखें जिससे आपका हाथ ना जले। ये देखिए मैंने सारा पफ कर लिया है जो मैंने दिखाया था छोटे से कटोरी में था, कितनी अच्छी तरह से हो गया। लेकिन अभी कुछ दो स्टेप और हैं जो हमें ज़रूर से करने चाहिए रामदाने को पफ करने के बाद। तो ये लिया है मैंने बिल्कुल बारीक वाली छन्नी, अब हम रामदाने को छान लेंगे। रामदाना आप या तो ऑनलाइन मंगाइए पैकेट वाला, या फिर आप इसको अच्छी तरह से वॉश करके सुखा लेते हैं तो भी इसमें बहुत ही बारीक रेत यानी बालू रह जाती है, धूल रह जाते हैं, जिसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारी डिश को ख़राब ही कर सकते हैं। इस तरह से छान लेंगे ना तो बिल्कुल जो बारीक वाले धूल और मिट्टी है वो निकल जाएगी, मिट्टी तो नहीं रहती है क्योंकि वो पानी से निकल जाती है, लेकिन जो रेत रहते हैं वो निकल जाएंगे बाहर। और पफ करने के बाद जब इस तरह छन्नी से हम छानते हैं ना तो जो फूटे हुए होते हैं अच्छी तरह से पफ हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे हल्के होने की वजह से, और जो पफ नहीं हो पाए हैं वो नीचे रह जाते हैं, क्योंकि उसे हम लड्डू बनाने में, चिक्की बनाने में या दूध से जब हम खाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बहुत हार्ड होता है। तो इस तरह से आप इसे अलग कर सकते हैं और इसे फेंकना नहीं है, इसे आप पीस कर ना बर्फ़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है, कभी इसकी भी रेसिपी आपको मैं शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि जब भी मैं इसका रेसिपी शेयर करूँगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए छानने के बाद देखिए कितने बारीक वाले रेत मिले हैं नीचे, जो हमारे खाने में जाते अगर इसे हम नहीं निकालते तो, और रेसिपी भी ख़राब हो जाती और हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और ये बढ़िया वाला पफ हमारा तैयार हो गया है, आप इसकी मनचाही रेसिपी तैयार करिए। तो कैसी लगी आपको ये मेरी टिप, अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए, और इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।